ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 23। आपको लग रहा होगा कि ये सेम ड्रेस पहन करके सामने खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और आपको वही ज्ञान की विद्याओं को बार बार सुनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक सोल कॉन्शियस नहीं बने तो आप अभी तक मेरी ड्रेस को देख रहे हैं। ये भी मेरी ड्रेस है और ये भी मेरी ड्रेस है, लेकिन मैं हूं सोल, एक आत्मा, बिल्कुल ऐसी एनर्जी, सफेद पॉइंट ऑफ लाइट। अगर आप उसको देख करके सुन रहे हैं तो आपके अंदर ये ज्ञान विद्या अच्छे से ग्रहण होगी। लेकिन अगर आप मेरे शर्ट को या जैकेट को देख करके सुन रहे हैं तो फिर आपके संकल्प वेस्ट संकल्प में चले जाएंगे, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्यर्थ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प। तो मुझे आत्मा समझ करके अगर आप सुनते हैं तो आप शक्तिशाली संकल्प कर रहे हैं। अगर आप मेरी ड्रेस देख करके, मेरे पहनावे को देख करके, हेयर स्टाइल को देख करके अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप फिर वो व्यर्थ संकल्प में जा रहे हैं, इम्प्योर संकल्प में जा रहे हैं, जिसमें आपको पीड़ा होगी, मुझे पीड़ा नहीं होगी। तो क्यों ना हम बच रहे हैं उस पीड़ा से। तो आज परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन, वेस्ट थॉट्स को पावरफुल थॉट्स में, समर्थ मतलब पावरफुल थॉट्स में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। तो संगम युगी, इसके बारे में समझते हैं। यह संगम युग समर्थ युग है। कलयुग में क्या था, चलो ठीक है हम कलयुग में है, चलता है, लोग गंदे हैं, हम भी गंदे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गंदा नहीं होगे, चिल्ला के नहीं बोलोगे, क्रोध नहीं करोगे तो लोग आपको नीचे समझेंगे, छोटा समझेंगे, ये कलयुग में चलता था। लेकिन परमात्मा जब धरती पर आ जाते हैं तो कौन सा युग स्टार्ट हो जाता है, संगम युग। और संगम युग से हम ट्रांसफर हो जाते हैं सत्य युग में, क्योंकि परमात्मा सत्य है तो हमें सत्य बात समझाएंगे, जिसको सुनकर के अच्छा लगता है और अपने अंदर परिवर्तन आता है। तो परमात्मा कहते हैं तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, कौन से युग के, समर्थ पावरफुल युग के वासी हैं, क्योंकि पावरफुल युग को क्रिएट करने वाला कौन है, सर्वशक्तिवान। समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, हम समर्थ बाप के बच्चे हैं और समर्थ आत्माएं हैं। तो समर्थ तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, इतना ही बस याद हो जाए कि मैं किसकी रचना हूं, मैं परमात्मा पिता जो कि सर्वशक्तिवान, मैं उसकी रचना हूं, तो मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए, सर्वशक्तिमान होने चाहिए मेरे संकल्प, मेरे अंदर कोई वेस्ट थॉट नहीं आना चाहिए, क्यों, क्या, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करती है, ये समय ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारे वेस्ट थॉट्स है। हम प्रॉब्लम्स को बड़ा कर रहे हैं, व्यर्थ को, हम कचड़े को बढ़ा रहे हैं। आप अपने घर में कचड़े को कम करते हैं ना कि बढ़ाते हैं, तो अपने मन के अंदर भी कचड़े को कम करें। तो परमात्मा कहते हैं कलयुग है व्यर्थ, कलयुग की सोच, कलयुग के तरीके, रीति रिवाज सब क्या है, व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। इसका मतलब हम अभी संगम युग में हैं, हम कलयुग में नहीं है, और उसे भी कहना नहीं कि अभी तो कलयुग चल रहा है तो ये होता है, ये दुनिया गंदी है, नहीं, हम संगम युग में हैं, हर कोई परिवर्तन हो रहा है। मेरे देखने का नजरिया सिर्फ अगर व्यर्थ को देखने का हो गया है, गलत बातों को देखने का हो गया, तो सारे दिन मेरे मन के अंदर कचड़ा चढ़ेगा। और अगर मैंने सबके अंदर देखा, अरे देखो इसने क्या कर दिया, अरे ये मिनिस्टर ने देखो क्या कर दिया, अरे ये एक्टर ने देखो क्या कर दिया, अरे ये इसने क्या कर दिया, ये अगर दिन भर चलता रहेगा तो फिर हमारा योग कैसे लेगा परमात्मा से। तो अगर हम कचड़ा भर लेंगे अंदर, तो हमने अपने क्या कर लिया, आत्मा के सामने एक स्क्रीन डाल दी कचड़े की, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, परमात्मा की प्रकाश नहीं आ रहा और हमें वो खींच महसूस नहीं होती। तो व्यर्थ बातों से मुक्त। फिर परमात्मा कहते हैं यदि सिर्फ समय की भी याद रहे कि ये कौन सा समय चल रहा है, परमात्मा से योग लगाने का संगम योग चल रहा है, क्योंकि संगम किसका हो रहा है, आत्मा और परमात्मा का रहे, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। तो जैसा समय होगा वैसे आपकी एक्टिंग होगी, है ना, जैसे कोई मूवी में क्या होता है, स्टार्टिंग में हीरो की एक्टिंग होती है, फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, हीरो और विलन लड़ना शुरू होते हैं, तो हीरो और विलन जब लड़ रहे शुरू होते हैं तो उस समय मूड और होता है, माहौल अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, लेकिन आप पहले जैसी एक्टिंग थोड़ा कर सकते हैं, आप डांस थोड़ा कर सकते हैं उस समय, है ना, उस समय आप बिल्कुल अपना मजे में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो थोड़ा कर सकते हैं। इस समय आपको क्या करना है, इसको आपको सीरियस होना है कि अब युद्ध चल रहा है, ये युद्ध है, अंदर का युद्ध, ये युद्ध का समय है, इसमें हमें व्यर्थ को भाग करके फेंकना है और समर्थ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे आने वाला युग सत्य युग है, जिसमें सिर्फ समर्थ या शक्तिशाली आत्मा जाएंगी, व्यर्थ आत्मा सोचने वाली जो होगी उसका थोड़ा सा स्वर्ग में आना लेट हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आधा कल्प व्यर्थ सोचा, आधा कल्प मतलब नर्क के समय हमने जो है द्वापर युग और कलयुग हमने व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, कर्म भी कैसे किए, काम करो लो ओंकार के वश होके कर्म किए, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। समय कौन सा चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है, अटेंशन की समय कम है, और परमात्मा जो हमारे साथ हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमें उनके जैसा सोचना, उनके जैसे करना है। ये सिंपल सी बात है समझने की,
जो कि आप ब्रह्मा कुमारी से आकर के और गहराई से समझ सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।